हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस पॉडकास्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूरो आईएनआर का चार्ट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक और उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट स्टॉप लॉस। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यूरो जो है तो 89 का लेवल उसने क्रॉस कर दिया फाइनली। लास्ट टाइम उसने वहाँ टेस्ट किया था, उसके बाद में करेक्शन दिया था लगभग 85-84 लेवल के करीब, उसके बाद में रिवर्सल और 89 अभी फिलहाल क्रॉस कर दिया विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन प्राइस एक्शन एंड आल्सो वॉल्यूम। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 92-40 का रहेगा और ये जो है तो ये अगले 2 हफ्तों में आ सकता है यूरो में। तो यूरो जो है तो बुलिश रहेगा और बाय ऑन डिप्स रहेगा 89 लेवल के अबो। तो ये जो लेवल है अभी 89 यूरो का क्लोजिंग है इस हफ्ते का 90 रुपीज़ एंड 15 पैसा। और फ्यूचर में देख सकते हो आप, ये 29 दिसंबर का फ्यूचर है जो अभी लगभग वही क्लोज हुआ है 90 रुपीज़ 12 पैसा। तो OTC का रेट और फ्यूचर का रेट लगभग सेम है, तो बोल सकते हो कि 92 रुपीज़ 40 या 30 पैसा ये टारगेट रहेगा अगले 2 हफ्तों के लिए। तो ये रहा उसका मीडियम टर्म व्यू। वीकली चार्ट पे RSI जो है तो 70 की तरफ बढ़ रहा है, स्टोकेस्टिक बुलिश है और वो ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 92 तक जाएगा और उसके बाद में फिर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको बाय ऑन डिप्स रखना है। शॉर्ट टर्म व्यू भी बुलिश है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू भी बुलिश है ऑन यूरो। तो रुपी के अगेंस्ट यूरो भागने वाला है, मतलब बुलिश है, तो इसको बाय ऑन डिप्स करना है। तो अभी शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं डेली का, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए और अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते के लिए जो है तो आप देख सकते हो कि यूरो ने जो है तो उसका पहला टारगेट अचीव कर लिया 89-40 रुपीज़ का। अभी नेक्स्ट टारगेट है नेक्स्ट हफ्ते में 90 रुपीज़ 40 पैसे का, जो लगभग आ चुका है क्योंकि हमने 90 रुपीज़ 20 पैसे का हाई देखा है, तो वो लगभग आ चुका है। तो इसके ऊपर जरा जाता है यूरो तो फिर यूरो जो है तो सुपर बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा और 90 रुपीज़ 40 पैसे के ऊपर वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 92 रुपीज़ और नेक्स्ट टारगेट रहेगा पॉसिबली जो है तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से 93-70, ये भी लेवल आ सकता है क्योंकि ओवर स्ट्रेच होते हैं और जैसे रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर के साइड के लेवल टेस्ट करता है। वहाँ ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, वो शायद यहाँ जो है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी शायद, तो देखते हैं तब का तब देखेंगे। मगर 93-70 ये पॉसिबल मैक्सिमम टारगेट है इस महीने के लिए यूरो का। और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स रखना है। डेली चार्ट पे RSI 70 क्रॉस कर रहा है तो हो सकता है कि ये रैली आगे जाके शार्प और स्ट्रॉन्ग हो और स्टोकेस्टिक भी उसने या कंसोलिडेशन देके अभी मूव दिया है, तो ये मूव शायद अगले 1-2 हफ्ते के लिए लास्ट करेगा जैसा हमने वीकली चार्ट पे भी देखा है। तो इसको बाय ऑन डिप्स रखना है 89 के ऊपर जो है तो यूरो बाय ऑन डिप्स रहेगा। 89 के करीब मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इन्हें करेक्शन आता है इंट्राडे में या फिर 1-2 दिन में थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है यूरो, तो वहाँ खरीदना चाहिए। अभी टारगेट रहेगा फर्स्ट 90 रुपीज़ 40 पैसा, उसके बाद में अगर ऊपर जाता है तो 92 स्ट्रेट टारगेट रहेगा 2 रुपये का ऊपर 92 रुपीज़ का, और हो सकता है कि 93-70 भी देखने को मिल जाए। तो यूरो पे ये मेरा व्यू है। होप्स हो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप ये वीडियो आपके दोस्त फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.